दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे सागर भाई ये कहाँ बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, ये वही जगह है जहाँ पर टेक्निकल सागर का सारा काम होता है। तो यहाँ पर मैं गेमिंग भी करता हूँ, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नया तरीका जिससे आपको गेम्स की कभी कमी नहीं होने वाली। मुझे बोला सागर भाई हमें कौन से गेम स्ट्रीम करें, हमें कोई आइडिया नहीं है, इतने सारे गेम लाए कहाँ, फ्री नहीं मिलते गेम, बहुत पैसे लगते हैं, गेमिंग चैनल शुरू करना है। मेरे दोस्त, मैं आज आपके लिए सोल्यूशन लेके आ गया हूँ। कुछ नहीं करना, ये एक 700 रुपये का, 500 रुपये का ये गेम खरीद लेना है। इसमें 999 या कितने गेम्स होते हैं, पुराने वाले 8-बिट गेम्स होते हैं, सुपर मारियो, कॉन्ट्रा। और मैं कहता हूँ मार्केट में इतनी डिमांड है इनकी, इतनी डिमांड है कि पूछो मत। लेकिन इसको, इस डिवाइस से आप स्ट्रीम तो नहीं कर सकते। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, राइट, मैंने बताया था, देखो ये ऐसे चालू हो जाता है ये गेम, सारे मारियो गेम वगैरह ये सब खेल सकते हो आप इसमें, बट इसे आप OBS में कैसे ले जाओगे। लेकिन एक बहुत खास बात मैंने नोटिस की कि ये ऑडियो और वीडियो आउटपुट देता है, इसकी पिन से, यहाँ इसमें एक पिन लगती है और यहाँ से ये ऑडियो वीडियो की जो पुरानी VCD वाली पिन होती थी वो निकलती हैं। तो क्यों ना हम इस सिग्नल्स को HDMI में कन्वर्ट करें, या तो हम इसे एज ए कैप्चर कार्ड से एक इनपुट दे दें। तो एक मेरे को कैप्चर कार्ड मिला, ये क्या करता है कि ऑडियो वीडियो को लेके डायरेक्ट एज ए कैप्चर कार्ड शो करता है आपके कंप्यूटर में। सो दैट मीन्स कि आप इस गेम को अपने OBS में स्क्रीन कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके OBS में नज़र आ रही है आप उसे स्ट्रीम कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। सो गाइज, आप 999 गेम अपने गेमिंग चैनल पर खेल सकते हो सिर्फ इस सेटअप की मदद से। ये 2000 रुपये का आता है, ये 700 रुपये का आता है, 2700 रुपये में आपका ऐसा गेमिंग सेटअप तैयार हो जाएगा जिसमें आपको गेमिंग की कभी किल्लत नहीं होने वाली। तो इसको करना क्या होगा, इससे कनेक्ट करना है, ये केबल तो इसके साथ आता है और ये कैप्चर कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं और इसको आपको अपने कंप्यूटर में लगाना है। तो यहाँ पर मेरा कंप्यूटर है, मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, इसको लगा देता हूँ इसके अंदर, USB में लगता है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये गेम यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ से गेम खेल सकता हूँ। मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ और ये सारी गेम्स कुछ खेल कर दिखाता हूँ और अपनी राय शेयर करता हूँ, आइए मेरी स्क्रीन पर। तो गाइज, मैं हूँ अपने बचपन के सामने, ये लिटरली मेरा बचपन है, ये सारे गेम मेरे सुपर मारियो, डॉक्टर सुपर मारियो खेल के देखता हूँ सबसे पहले मैं। ओ वाओ, क्या बात है। अरे मैं ना जब स्कूल से आता था ना, तो स्कूल से आके मैं दाल चावल भी नहीं खाता था मम्मी के बनाए हुए, सबसे पहले यही गेम लेके बैठता था। और किसी ने तो ये चलन चलाया था कि भाई कलर TV के कलर चले जाते हैं ये गेम खेलने से, वो आदमी ढूंढ के लाओ मुझे, कौन सा टेक एक्सपर्ट था वो जो ये सारी बातें बोलता था। अरे यार, वो ना बच्चों को खेलने नहीं देने का वो था, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं थे। अरे यार, इससे अमर हो जाते थे ना। अरे निकल गया, हाँ तो इससे मैं टकराता चला। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम थे, ये तो मारियो तो आपने देख लिया, मैं और कोई गेम देखता हूँ। एक एडवेंचर आइलैंड करके गेम होता था ना, कॉन्ट्रा फोर्स था क्या, कॉन्ट्रा फोर्स, हाँ। अरे कॉन्ट्रा फोर्स कहाँ गया, ये दूसरा वाला कॉन्ट्रा है, ये वाला नहीं, उत्तरी, ये कॉन्ट्रा के आगे का मिशन है, कॉन्ट्रा फोर्स है ये। एक कॉन्ट्रा भी था, एक दूसरा वाला कॉन्ट्रा था, देखता हूँ मैं, कॉन्ट्रा है ना, वो वाला कॉन्ट्रा इसमें मिल नहीं रहा मेरे को। डॉक्टर मारियो कॉन्ट्रा 1 था क्या वो, कॉन्ट्रा, ओ ये यार कॉन्ट्रा मिल गया मेरे को बेटे। यार इसमें ना इतना अच्छा कंट्रोल नहीं बन पा रहा, लेकिन मैं ये तो आगे के वो मिशन है ये, और तेरी गुल लगी, तेरी ऐसी तैसी, कितने सदियों बाद खेला है। आगे बढ़ गया, दे 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 दे। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें बॉस भी आता था, ये मारा ये। तो गाइज, आपको गेम्स की कोई कमी नहीं होने वाली और इन गेम्स की इतनी डिमांड है, और इसकी सही गेमिंग स्किल आपकी इसी में चेक होगी, मेरी बात मान लेना एकदम, बहुत मजा आ रहा है। अब मेरे गेमिंग चैनल पर आप यही गेम देखने वाले हो, मैं यही खेलने वाला हूं। चलो और कुछ देखते हैं, मेरे को इतना मजा आ रहा है ना, तो मैं कभी आज तक इतना मजा नहीं आया, मेरी वीडियो को चाहना कितना ही बड़ा, एडवेंचर आइलैंड, ये भगवान, अरे
मैं क्लास वन में हूँ। अरे वाह, फर्स्ट में। ओ त्री भैया, वो यही गेम। अरे यार क्या मजे हैं, क्या मजे हैं भाई। इतना मजा आज तक नहीं आया मेरे को किसी वीडियो बनाने में। आ जाओ भाई, कौन हो? हल्के में ले रही हो क्या? अबे कितने साल बाद आया हूं मैं इस गेम में, कितने साल? लगभग लगभग बा 2002 में खेला था, 20 साल बाद, 19 साल बाद ये गेम खेल रहा हूं मैं। हाँ 19 साल बाद। कौवा आया था तो ऐसे। गाइज आपको अंदाजा लग गया होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, और बहुत ही मजेदार चीज है ये। ऐसे करके आप भी कुछ मतलब इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, और अपने चैनल पर बहुत सारे ऐसे गेम स्ट्रीम कर सकते हैं जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो ये एक तरीका बताया मैंने। ये था सागर स्टैक शो का एक नया एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल TS गेमिंग को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ पर मैं ये सारे गेम्स को स्ट्रीम करने वाला हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आप चेक करें डिस्क्रिप्शन अगर आपको इथिकल हैकिंग सीखनी है। आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा दूंगा मैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, गुड बाय।